बच्चों आज मैं आप लोगों से अर्थशास्त्र का टेस्ट लूंगा। सभी बच्चों टेस्ट देंगे ना? चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला प्रश्न शुभम तुम बताओगे, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। बिल्कुल सही, 1 जनवरी 2015। चलिए क्या हमें ये कोई बता सकता है नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। योजना आयोग को हटा के नीति आयोग बनाया। हाँ, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग। योजना आयोग जवाहरलाल नेहरू बनाए थे। योजना आयोग जवाहरलाल नेहरू। अच्छा बताओ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। बिल्कुल सही, आप लोग का तैयारी बिल्कुल टंच है, बहुत बढ़िया। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चे, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। बिल्कुल सही बच्चे, कृषि क्षेत्र जो होता है जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वो तो क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, जीवन रह नहीं सकते हैं। क्या कृषि बिना जी सकते हैं? नहीं। एग्रीकल्चर के बिना हम लोग जी नहीं सकते, इसीलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गैस बिजली किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, बिल्कुल सही, गैस बिजली आते हैं द्वितीय क्षेत्र, उद्योग के मामले में, उद्योग में आ जाता है द्वितीय क्षेत्र, समझ गए ना? तीसरा क्वेश्चन बच्चों ध्यान से बताना है आपको कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। भारत, इंडिया में जिस देश में हम लोग रहते हैं उसमें क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन बच्चे ध्यान से बताना है, किसे पिछला राज्य कहते हैं? बिहार। बिहार को हम लोग कहते हैं पिछला राज्य, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बताइए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? विकसित। विकसित, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। बिल्कुल सही, 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986। बिल्कुल सही, 1986 बना था क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। देखो बच्चों, मैं 1986 में तीन घटना हुआ मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले कबरा से तीन घटना बताओ, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, नहीं जल नहीं, एक भारतीय अंतरदेशीय जल प्राधिकरण। बच्चों 1986 में तीन घटना कितनी हुई थी? तीन। फिर से बताओ, भारतीय अंतरदेशीय जल प्राधिकरण। बताओ सचिन, बताओ भारतीय जल अंतरदेशीय जल प्राधिकरण, ठीक है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण को बचाने के लिए अधिनियम 1986 में आया था, उपभोक्ता को मतलब जागरूक करने के लिए 1986 में आया था, और भारतीय अंतरदेशीय जल प्राधिकरण, भारतीय अंतरदेशीय जल प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ऐसे याद किया जाता है कोई भी चीज को, जैसे भी हो, नोट्स जो इस ईयर वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कम से कम 5-6 पूछ ही लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टर्म किसका था? चलिए बताइए शुभम कुमार, अगला टर्म है आपका बताना है, ठीक है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए कितना आवेदन शुल्क लिया जाता है? 0 रुपया। 0 रुपया, 1 रुपया शुल्क नहीं लिया जाता है। ऑप्शन में है 50 रुपया नहीं होगा, 10 रुपया नहीं होगा, 70 रुपया नहीं होगा, क्या होगा इनमें से? कोई नहीं। तो 0 रुपया शुल्क लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से ज्यादा हो और 1 करोड़ से कम है, ध्यान समझो, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम, तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? राज्य आयोग में। राज्य आयोग, बिल्कुल सही। अगर 20 लाख से कम है और 1 लाख से कितना है? ज्यादा। सर 1 करोड़ से, सर निश्चय कर दे, 20 लाख से, 20 लाख से अधिक, अधिक और 1 करोड़ से कम, क्या बताए? 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम, तब होगा राज्य आयोग। अगर 1 करोड़ से ऊपर होगा तो राष्ट्रीय आयोग। 1 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग। मैं क्वेश्चन फिर से बोल देता हूँ एक बार, 20 लाख से कम, 20 लाख से अधिक, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम, 20 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से कम, तो क्या होगा? और 1 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय, ठीक है, बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय आयोग में हम लोग शिकायत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता के लिए सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मार्क देख के लेना चाहिए? हॉलमार्क। बिल्कुल, सोना वगैरह जो हम लेते हैं अंधाधुंध नहीं लेना चाहिए, कम से कम हॉलमार्क देखकर ही लेना चाहिए, ये शुद्ध सोना का पहचान होता क्या? हॉलमार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811 4000। ये फोन नंबर है जिसे फोन करके आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं, 1811 4000, ये मतलब उपभोक्ता के लिए बनाया गया है, ठीक है, कोई भी कंपनी हो। अगला क्वेश्चन, पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला। हाँ,
पार्ले थम्सअप जो ब्रांड है बच्चों उसको कोकोला ने खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन प्रशांत तुम बताओगे, ठीक है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। हाँ, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। बहुत गजब, सभी उपयुक्त, सभी इनमें से सभी, ठीक है, बिल्कुल दोनों बात वही सेम ही है। वैश्वीकरण कितने अंग हैं? पांच। बहुत बढ़िया, वैश्वीकरण कितने अंग हैं? पांच। अगला क्वेश्चन बताओ कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कोको कोला और बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है जिसका अलग अलग मतलब विभिन्न देशों में संपत्ति, जैसे कि वोडाफोन इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, तो ऐसा कंपनी जो बहुत जैसे नोकिया फिनलैंड कंपनी है, विदेश में भी है, इंडिया में भी है, चाइना वाला मोबाइल जो सियो क्या बोलते हैं सोमी, ये मोबाइल जिसे वीडियो बना रहे वो भी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। विवो क्या है? एप्पल क्या है? सैमसंग क्या है? डेल कंपनी क्या है? डेल का लैपटॉप वगैरह आता है, आता है। एचपी क्या है? सभी जगह प्राप्त होता है, सभी जगह जो विभिन्न देशों में, जो विभिन्न देशों में प्राप्त होता है उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला क्वेश्चन शुभम बताएगा, शुभम बताओ, ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला क्वेश्चन पूछ लिए थे ना। अगला क्वेश्चन है बच्चे, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुआ था, 95 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल से विश्व व्यापार संगठन, बिल्कुल से इसका मुख्यालय वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। इसका कार्य क्या होता है? व्यापार को बढ़ाना पूरा विश्व में व्यापार को बढ़ाना, ये कार्य होता है WTO का। फिर से बताओ हमें क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई बच्चों? 1995, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। और दूसरा क्षेत्र बोलो? गैस उद्योग। और प्राथमिक क्षेत्र? कृषि। बिल्कुल सही। अगला, मानव पूंजी कितने घटक होते हैं? पांच। मानव पूंजी के पांच घटक होते हैं। कौन बिहार नहीं है? बिहार कर्नाटक बिहार है, कर्नाटक नहीं है, समझ गए ना।